हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऋण पत्रों पर ब्याज। वैसे तो आपको पता ही है ब्याज कैसे लगता है इंटरेस्ट, क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं उस पर ब्याज मिलता है डिबेंचर होल्डर्स को, और शेयरों को मिलता है डिविडेंड, ठीक है, शेयर्स पे। तो यहाँ पे कहता है कि ऋण पत्रों पर जो ब्याज होगा प्रत्येक 6 महीने के बाद दिया जाता है, 6 मंथ में वो इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। तो ऋण पत्रों पर ब्याज अवश्य दिया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसमें कोई वो नहीं है, देना पड़ेगा क्योंकि बाहर के आदमी ही हैं। यह ब्याज पूर्व निर्धारित दर से दिया जाता है। पूर्व निर्धारित का मतलब पहले से तय होती है भाई कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। ऋण पत्रों के ठीक पहले अंकित होता है ना ये 10%, जैसे 15%, तो ऋण पत्रों के सामने ही लिखा होता है जैसे 15% डिबेंचर, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो गया। तो मतलब हर बार 15 नहीं है, ये फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जितना भी लिखा होगा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है होगा। तो आयकर का मतलब इनकम टैक्स जो रूल है अधिनियम के अनुसार, कंपनी को इस ब्याज की राशि पर एक निश्चित दर से इनकम टैक्स अवश्य काट लेना चाहिए। तो इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा भाई जो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर लेंगे। तो आयकर की इस राशि को आयकर विभाग में जमा करा देना चाहिए, और यह कर जो डिबेंचर होल्डर हैं की तरफ से दिया हुआ माना जाएगा। तो ये टैक्स कहाँ से आ रहा है? डिबेंचर होल्डरों की तरफ से, ना कि कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो कंपनी द्वारा ऋण पत्रधारियों को आयकर काटने का एक प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है, भाई आपसे टैक्स ले लिया गया है, या आपके पास स्लिप या प्रूफ या कुछ है, ठीक है। तो जिसका लाभ ऋण पत्रधारी अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण में प्राप्त करते हैं, जो पर्सनल उनका वो होता है उसमें उनको इसका बेनिफिट मिलता है। तो कंपनी को अपना बैलेंस शीट बनाते समय इंटरेस्ट का जो लेखा है वो करना चाहिए जो एक्यूरेट है, मतलब आदत ब्याज, जो दो प्रकार का हो सकता है। पहले तो आदत ब्याज जो दे इंटरेस्ट एक्यूरेट एंड ड्यू। यदि कंपनी 30 जून और 31 दिसंबर को ऋण पत्रों पर ब्याज चुकाती है, तो यदि 31 मार्च 2004 को बैलेंस शीट बनाते समय 31 दिसंबर 2003 वाला ब्याज चुकाया नहीं गया है, तो इसे इंटरेस्ट एक्यूरेट एंड ड्यू कहेंगे। समझाई मेरी बात? कहना ये चाह रहा है कि आप मतलब 30 जून और 31 दिसंबर को ऋण पत्र पर ब्याज चुकाते, क्योंकि 6 महीने बोले ना उसने, तो 30 जून 6 महीने का मतलब है 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो 31 मार्च को अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो 31 दिसंबर 2003 वाला जो ब्याज होगा आपका आने वाला, वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट एक्यूरेड एंड ड्यू, ठीक है ना, क्योंकि अभी पहुंचा नहीं है वो, ठीक है भाई। यहाँ लिखा हुआ देखो, जैसे अब सेकंड जो तरीका है, सेकंड जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का है वो सुनिए। ये जो है आदत ब्याज मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ये कह रहा है जो दे नहीं है, मतलब इंटरेस्ट एक्यूरेट है बट नॉट ड्यू। मतलब यदि कोई कंपनी 31 जून और 31 दिसंबर को ब्याज चुकाती है, तो 31 मार्च 2004 को जो बैलेंस शीट बनाते समय 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2004 तक का 3 महीने का ब्याज इंटरेस्ट एक्यूरेट बट नॉट ड्यू कहलाएगा। मतलब वो पिछला पिछला हिसाब ले लेंगे। तो दो कंडीशन ये होगी कि एक तो यहाँ से आगे तक का जोड़ लिया उन्होंने वो पिछले केस में, और यहाँ तक का ही देख लिया उन्होंने, 31 दिसंबर तक हो गया हिसाब, तो उसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च तक के 3 महीने का वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट एक्यूरेट बट नॉट ड्यू, ठीक है। दो कंडीशन थी, शायद आपको समझ आ गई होंगी, नहीं आएंगी तो अभी न्यूमेरिकल लेके हम आपको बता देंगे। बट उससे पहले कुछ एंट्रीज हैं वो आपको समझनी होंगी, और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा कंपनी की। एंट्रियाँ कुछ इस प्रकार है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। पहली एंट्री ये बनेगी कि जो इंटरेस्ट है आपका वो डिवेंचर होल्डरों की तरफ से दिया जाएगा, बट उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स भी पेबल कर दिया जाएगा। कितना टैक्स होगा वो यहाँ पे आप निकालेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो जब क्वेश्चन आएगा तब आपको पता लग जाएगा। सेकंड केस क्या, दूसरी एंट्री क्या है, वो कहता है व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू द डिवेंचर होल्डर। अब इंटरेस्ट पे कर दिया है, ठीक है, डिवेंचर होल्डरों की तरफ से इंटरेस्ट पे हो चुका है, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरह कंपनी का तो बैंक घट गया है और डिवेंचर होल्डर के पास उनके पैसे चले गए। उसके बाद है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, मतलब अब यहाँ टैक्स की पेमेंट करने की एंट्री क्या बना रहे हैं, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, ठीक है ना, TDS भी बोल देते हैं इसको, और टैक्स डिपॉजिट सर्विस कुछ ऐसे। और इसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इस तरह से ये चार एंट्रियाँ आपको मैंने बताई, एक क्वेश्चन लेके मैं अच्छी तरह से अब आपको ये जो थ्योरी मतलब टॉपिक है जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको टॉपिक अपने आप आ जाएगा समझ। एक्स लिमिटेड इशूड 5000 डिबेंचर, इशूड आ गया तो इशू की दो एंट्री आपको आनी चाहिए। 12% डिबेंचर, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रहेगा, 12% ब्याज देना भी आपको। 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2010 एट पार, एट पार का मतलब कोई फालतू टेंशन नहीं है प्रीमियम का, और रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, तो भुगतान जो करना है वो प्रीमियम पे करना है,
तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब भुगतान प्रीमियम पे करेंगे 5%, तो कैसे करेंगे, ये आपके लिए इशू करते टाइम 5% का लॉस हो गया, क्योंकि उसने यहाँ बोल दिया जब भुगतान करेंगे, मतलब पैसे वापस देंगे ना जितने भी टाइम के बाद, तो उसमें 5% अधिक देना पड़ेगा। तो जब कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स को, तभी मान लेती है हमारे लिए लॉस है, और लॉस है तो उस हिसाब से एंट्री में इसको शो करना होगा इशू वाली में। कैसे करना होगा वही बताता हूँ मैं आपको। उसके साथ साथ वो कहता है जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में देना है आपको, 1 30 सितंबर को देना है, 1 31 मार्च को देना है। तो डेट भी बता रहा है भाई हाफ ईयरली वाले टाइम पे 30 सितंबर और 31 मार्च डेट डाल देना, और एंट्री पास कर दीजिए 31 मार्च 2011 तक की। और उसके ऊपर वो टैक्स के लिए बोल रहा है 20% टैक्स लगाना आपको, ठीक है ना, जो टैक्स की एंट्री बनाएंगे तो 31 मार्च 2011 लिख देना आप साथ में डेट में, और 20% टैक्स निकाल देना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो आप जो लेजर का कॉलम बनाएंगे तो उसमें क्या है, डेट में क्या है, डेट डालेंगे, डेट आप डालेंगे 1 अप्रैल 2010। ठीक है, अब इशू की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है भाई, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक में कितना आना चाहिए, 5000 के हिसाब से 100 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 लाख रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे आपका 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट शो होएगा डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड एंट्री क्या बनाएंगे, वो भी 1 अप्रैल 2010 की रहेगी। एंट्री बनेगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और हमारे लिए 5% लॉस हो रहा था, तो इस लॉस को यहाँ शो करेंगे इस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, टू में क्या आएगा भाई, 12% डिवेंचर आ जाएगा, डिवेंचर्स अकाउंट, और टू में और क्या क्या आ जाएगा, जो लॉस था उसको, लॉस को दिखाएंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो अब अमाउंट कैसे बिल करना, ये आपके लिए सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। 5000 है इसका 5% निकालना, 5 5 25, मतलब 25,000 रुपये आपका लॉस बन जाएगा। ठीक है, आप निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, मैं अमाउंट फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ तो ये आ गया आपका, 5 लाख का 5% आएगा, 25,000 ये लॉस में आ जाएगा, और डिबेंचर वही 5 लाख के रहेंगे आपके, और 25,000 का लॉस आप यहाँ प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से इधर ट्रांसफ़र कर दोगे। अब उसके बाद बात आ गई है कि ये तो था आपका इशू का केस ख़त्म। ठीक है, उसके बाद ये इंटरेस्ट की एंट्रियाँ मैंने ऊपर पढ़ाई थी, तो वही एंट्रियाँ आप बना के चलोगे। सबसे पहले जो इंटरेस्ट की एंट्रियाँ हैं वो कब कब बनानी है, 1 तो 30 सितंबर को बनानी है, और एक बनानी है 31 मार्च को। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ लिखेंगे 30 सितंबर। ठीक है, सन वही चलता रहेगा। तो इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और साथ में इनकम टैक्स है तो टू इनकम टैक्स TDS भी लिख सकते हैं पेबल अकाउंट। ठीक है भाई, हो गए यहाँ तक। तो इंटरेस्ट निकालिएगा आप, इंटरेस्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है, 12% है अमाउंट, कितना आपका 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख का 12% आएगा, 60,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है ना, 60,000 का हाफ ईयरली हो गया 30,000, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो आपका 30,000 रुपीज़ बनेगा, और 30,000 रुपीज़ में से आपको 20% आपका टैक्स रहेगा, तो 30,000 का 20% टैक्स निकालेंगे, 6,000 रुपये हो जाएगा। तो 6,000 रुपये टैक्स में दे दें हैं, और 24,000 डिवेंचर होल्डरों के पास चले जाएंगे। इस तरह से दोबारा बताऊँ कि टोटल 60,000 निकलेगा, 5 लाख का 12% 60,000 रुपये होता है। ठीक है, 60,000 का हाफ ईयरली हो गया 30,000 का 20% टैक्स 6,000, और 30,000 में 6,000 टैक्स में चले गए, तो सिर्फ डिबेंचर होल्डर को कितने ड्यू किए जाएंगे, 24,000, और वे 24,000 उसके चुपचाप दे दो। ठीक है, डेट वही चलती रहेगी भाई 30 सितंबर। ठीक है, तो पैसे दे उनके बेचारों के, तो एंट्री बनेगी ये डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये आपने पैसे दे दिए, तो कितने दे दिए, देखो कितने दे दिए डिबेंचर होल्डरों को, कितने दिए, 24,000 थे ना, तो 24,000 उसको कैश पेमेंट कर दो अब आप,
कंपनी ने उसके 24 दे दिए और 6 वो टैक्स से देगी। अब टैक्स से देगी कंपनी, तो जब टैक्स पे करेगी तो इनकम टैक्स पेबल टू बैंक। तो ये एंट्री आप 30 सितंबर के हिसाब से शो कर दें, या लिखेंगे 30 सितंबर, यहाँ लिखेंगे इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया पेमेंट आपकी टैक्स की 6000 रुपीज़ की। एक साथ भी आप एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने अलग अलग भी बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से तो ये 6 महीने का काम आपका ख़त्म हुआ। फिर अगले 6 महीने में क्या होगा, अगले 6 महीने का हिसाब बनेगा 31 मार्च का, ठीक है। अगले 6 महीने का हिसाब 31 मार्च का चलेगा। तो यही जो 3 एंट्रियाँ मैंने अभी बनाई, इन 3 एंट्रियों को छापो, मतलब लिखो, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट जो एंट्री है वो 4 एंट्रियाँ और बनेंगी, तो कंटिन्यू लगे रहो आप। तो यहाँ लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट और टू इनकम टैक्स पेबल, ठीक है। तो सेम वही अमाउंट भी आप बिना कैलकुलेट करे भी लिख सकते हो अब तो, ठीक है ना, वही 30,000, वही 24,000, वही 6,000, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, तो जो ऊपर हाफ में निकला वही साफ में रहेगा, वो अलग से थोड़ा ना रहेगा। फिर उसके बाद भाई आप इसको नगद पैसे दे दो उसके डिवेंचर होल्डरों के 6 महीने के बाद के, यहाँ लिखेंगे आप डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने हैं डिवेंचर होल्डर के, देखो 24,000, तो 24,000 की आपने ये कर दी यहाँ पर पेमेंट, ठीक है। उसके बाद टैक्स भरो चुपचाप, नगद पेमेंट दो, टैक्स नगद जाएगा, तो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, टैक्स कितना चल रहा था 6,000, तो ये आपने 6,000 की पेमेंट कर दी। अब लास्ट एंट्री है आपकी, जो प्रॉफिट एंड लॉस से आप इसको राइट ऑफ करेंगे ना इंटरेस्ट को, तो एंट्री बनेगी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रोपरेशन, कहीं अलग अलग लिखा हो सकता है नए अकाउंट के हिसाब से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट इंटरेस्ट कितना बनना, 60,000, तो ये आपका 60,000 का हिसाब पूरा एक ही बार में दिखा दिया आपने। तो इस तरह से ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का टॉपिक था आपका, मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें भाई। थैंक यू।